आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक, BTS न्यूज एंड टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। लेडीज का ले रहे हैं। और आज तालाब कटा जावेद नगर में हर साल की तरह आज भी आज़ादी का जश्न मनाया गया। और मैं सभी मेरे जितने भी गेस्ट आए, सबसे पहले ACP साहब और मुजफ्फर साहब और एरिया काउंसलर सर्कल साहब, सारे जितने भी मेरे गेस्ट आए उनका, तमाम जितने भी मेरे गेस्ट आए हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जय हिंद। मैं आसिमा बेगम सोशल एक्टिविस्ट हूँ और यहाँ जावेद नगर में अस्मा मैडम के पास आज 15 अगस्त का जो जश्न हुआ उसमें आने वाले तमाम काउंसलर हैं और पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों का सबका शुक्रिया अदा करते हुए मुझे इस मौके पर बुलाने के लिए इनका शुक्रिया अदा करती हूँ। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिमा बेगम AIMIM से, आज जो याकूतपुरे में क्या नाम है, डॉक्टर समीना जो तालाब कटे की कॉरपोरेटर है और अस्मा AIMIM के जो लीडर है उनके साथ आज 15 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए मुझे भी इनवाइट किया गया था।
और हम सब मिलके सेलिब्रेट किए। वहाँ के एरिया पीएस वाले भी आए थे, सब मिलके खुशी खुशी जो है जश्न आज़ादी के लिए प्रे करे और सब मिलके खुशियाँ मनाए। ऐसे मौके पे तमाम देश के लोगों को और मेरे भाइयों को जिसमें कोई कास्ट नहीं है, सबको शहर का अमन और सुकून क़ायम रखने की अपील करती हूँ। और हम सब जैसा कि हिंदुस्तान में एक दूसरे के साथ मिलके अपने मोहब्बत और खुलूस को क़ायम रखते हुए हमेशा जिस तरीके से चलते हुए आए हैं, हमेशा ऐसी चलने की सबसे उम्मीद करती हूँ। सबसे मेरी ये गुजारिश है कि अपने शहर के अमन और सुकून को क़ायम रखिए, चाहे उसमें हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम हो, सब के लिए मेरी यही गुजारिश है कि अपने शहर के अमन और सुकून को मत ख़राब करिए। जो कुछ भी आजकल हालात चल रहे हैं उसको नज़रअंदाज करते हुए जो सच क्या है, सच पे हमको क्या काम। हिंदुस्तान को गंगा जमनी तहजीब कहा गया है और इस तहजीब को और जो हम सब में इत्तेहाद था उसको क़ायम रखते हुए उसी राह पे चलना है जो राह पे अभी तक चलते हुए आए हैं। और क्योंकि हालात ख़राब होने से हर एक स्टेट में परेशानी हो रही है, हालात ख़राब होने से फसाद हो रहे हैं, बेखसूर लोग, खसूरवार लोग, समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या हो गया, क्यों ऐसा हो रहा है, हम सब में नाइत्तेफाकियाँ हो रहे हैं। तो जैसा कि हमारे पड़ोस में, अतराफ में, फ्रंट सर्कल में सब हर कास्ट के लोग हैं, सब एक दूसरे से मोहब्बत से रहते, तो यही मोहब्बत को निभाते हुए हम सबको चलना है और मुल्क का, वतन का अमन और सुकून ख़राब नहीं करते हुए। आज तेरी आँख खड़ी।